सवाल अगर किसी के जहन में कोई है। हाँ ये जो 6 दिन का जिक्र है, इसमें ये हमारी ये जमीन है 6 दिन में, ये या जितनी बाकी फर्कियात हैं जिनके मुकाबले में हमारी जमीन को एक जिले के बराबर कहा गया है, वो सारी इसमें शामिल है 6 दिन में या वो अलग मामला है? बजाय तो हमारे जमीन आसमान का ही जिक्र लगता है जी, बजाय तो हमारे जमीन आसमान का जिक्र लगता है। क्योंकि पहाड़ों का जिंदगी का सामान जो है वो आपको पता है हमारी जमीन के अलावा अभी तक तो कहीं मिला नहीं है, तो बजाय हमारी जमीन आसमान की बात लग रही। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो तारीफ की कि तुम्हारे यहाँ के 1000 बरस हमारे यहाँ का 1 दिन के बराबर है, को आप जो है ना वो टाइम पीरियड के अंदर लेंगे तो ज्यादा आपको आसानी रहेगी। टाइम पीरियड जब सूरज चांद ही नहीं बनाते तो आपके 24 घंटे का निजाम तो नहीं हो सकता ना, तो ये टाइम पीरियड थे जो भी टाइम फ्रेम जिस हम इसको कह लें। वैसे मुफस्सरीन ज्यादा इस तरफ गए हैं कि ये जो हमारे जिस दिन बने हुए हैं, चूंकि ईसाइत के अंदर भी जो आपको पता है इसके बारे में एक बात, इसके अंदर एक बात चली हुई है इसके ऊपर, वो जो कहते हैं कि इतवार को नौजुबिल्ला तो टाइम फ्रेम जो है वो ज्यादा राय उस तरफ है टाइम फ्रेम्स के अंदर। ये कुरान के अंदर 1000 बरस भी है, 50,000 बरस भी है, मुख्तलिफ चीज किसी और चीज की बात होगी, वो अहकाम के अपने आलम अमर के मामला के और क्यामत के 50,000 साल का दिन है, और वो डिफरेंट अल्लाह ताला ने वो तमसीलें बयान की हमारे वक्त के साथ मुख्तलिफ मौके के। कोई ऐसी कोई चीज मेरी निगाह से नहीं गुजरी जिसको मैं इसको वाजे कर सकूं कि अल्लाह ताला को ये क्यों कहा तुम खुशी से आओ या उससे आओ, ये कोई ऐसी चीज मुझे नहीं पता जिसको वाजे कर सकूं मैं, मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है आपको जिसके बुनियाद पे मैं आपको वाजे कर सकूं कि ये क्यों लिखा गया ये क्यों कहा गया। 7 आसमानों का कॉन्सेप्ट है वो हमारे देखने में तो अखला है, नील हो जाता है हमारी याद खत्म हो जाती है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट 7 आसमान कॉन्सेप्ट तो नहीं है, ये अल्लाह ताला ने फरमाया है 7 कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है अगर एक ध्यान है फिर दूसरा आसमान है वक्त हो जी ऐसा ही है जी बजायर ऐसा ही है, हदीस की रोशनी में ऐसे ही है, हर आसमान के अपना कोई सिलसिला चल रहा है। आसमान मेराज की हदीस बड़ी तफसील हदीस है जिसमें हर आसमान पे जाकर नई बात सुनती मुख्तलिफ पैगंबरों से मुलाकात हुई 7 आसमान। नहीं वहाँ तो नहीं जा सकते, वहाँ तो नहीं जा सकते, हम तो इधर तक नहीं पहुँच सकते, हम तो इस आसमान तक नहीं पहुँच सकते, हम तो वहाँ तो हम अर्ज समावी तक नहीं पहुँच सके, तो इससे आगे हम नहीं क्या जा सकते। देखिए किसी को भी उसामा ने यह सवाल किया कि जो एथिस्ट है उनके साथ दीन के मामले में कैसे उनको दावत दी जाए, कैसे बात की जाए। अच्छा सवाल है, कोई भी एथिस्ट है कोई एथिस्ट है, इस सब के लिए पहले अपना सबसे पहला अपना इल्म मजबूत होना बड़ा जरूरी है पहली बात, और सबसे अच्छी तबलीग जो देखी हमने वो अपने किरदार की अपने अमल की है। अगर आपका अपना अमल उस तबलीग के मुताबिक है जो जिसकी आप दावत दे रहे हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं तो आधा काम तो वैसे ही हो जाता है। और जहाँ तक ताल्लुक है एथिस्ट का बात करने की, मैं वो बहुत ऐसे की बात है, मैं सुन रहा था वो दीदार साहब को और सब्सिक्वेंटली आगे भी, तो वो कहते हैं जी एथिस्ट का तो मामला बहुत आसान है क्योंकि एथिस्ट ने तो हमारे कलमा का पहला अर्थ तो उसने कह दिया, ला इलाह तो उसने कह दिया,
उसका काम तो बहुत आसान है, उसने ये तो अपने दिमाग से सोच के ये तो कह दिया है कि कोई इलाह नहीं है, इल्लल्लाह सिखाना वो हमारा काम है, बाकी ला इलाह तो ठीक कह रहे हैं, कोई इलाह नहीं। तो उनके बकौल ज़ाहिर है वो इस काम के माहिर भी थे, तो लेकिन ये दावत तबलीग के लिए जो है ना जी अपना इल्म मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है, अपना अपना सब्जेक्ट पता होना बड़ा ज़रूरी है, और फिर आहिस्ता तजर्बे से हिकमत से बात जो है, जैसा कुरान ने भी यही कहा कि अच्छे अंदाज से गुफ्त करो, हिकमत से गुफ्त करो, उनके साथ विजडम के साथ बातचीत करो। तो वो तब ये है कि अगर आपके अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होगी, उनके सवालों का आपको पता होगा और मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ पर मुख्तलिफ चीज़ें असर होती हैं, लेकिन आपका किरदार जो है, आपका अमल जो है, वो सबसे बड़ी तबलीग है, अगर अपने अमल पर हम अगर उसको मजबूत कर सकें। कुछ बुरे दिनों में नहिस नहिस से उन्होंने किया कि नहिस ना कहते हैं उसके लिए, और आतिन जो है ये आत अलहदा, ये उसका है, ये 10 से कम के फिगर के लिए इस्तेमाल हुआ आतिन जो, नहिस अलहदा आतिन इसका इसका कॉम्प्लेक्स है। नहीं नहीं उनके ऊपर मतलब बुरे दिनों पे जो बुरे दिन आए हुए थे, कोई दिन कोई अच्छे है बुरे नहीं है, जिन पे अल्लाह का गजब नाजुल हुआ था वो जो जिन उनके ऊपर मतलब जो 8 दिन जो हवा चल रही थी मुसलसल जो हवा चल रही थी वो बुरे दिन थे उनके लिए। बाकी हम तो बड़े क्लियर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, बाकी चीज़ें बड़ी बात है, कोई अच्छे बुरे दिन है सच कोई भी नहीं। जुमे की तारीफ है कि दिनों के अंदर जुमा एक अफजल दिन है, और उसके बहुत सारे रीजन बताए गए कि क्या क़यामत भी उसी पर कायम होनी है, दोबारा उठना भी उसी पर है वगैरह वगैरह। बाकी अरब के अंदर ये बहुत ज़्यादा रिवाज था, ख़ास तौर पे सफ़र का जो महीना है उसको बहुत ज़्यादा मनूज गिनते थे, ये अरब का रिवाज था। तो उसने बड़ी वाजह नहीं पास में तस्वीर की कि ऐसा कोई मामला नहीं है, सब अल्लाह के दिन है, कोई इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं। ये जो दिन उस कौम के लिए बुरे दिन थे, उस कौम के लिए जिस कौम के ऊपर अजाब आ रहा था, यूसुफ़ वाले से उनके ऊपर अजाब आ रहा था। ये जो आयते हैं ये उस वक्त साथ साथ उतर रही थी या पहले आज की थी, ये कुछ वाजे नहीं है जी कि ये आया पहले उतर चुकी थी या उसी वक्त जो इनकी शान नजूल है उसी वक्त। ज्यादा राय यही है कि उसी वक्त ये नाजिल हुई नई बात, उस वक्त जब नई बात उसका पढ़ने शुरू की थी शान नजूल, कोई हतमी हतमी कोई बात नहीं की जा सकती इसको, है मक्की और ज्यादा राय यही है कि उस उतरी और नई बात उसने साथ साथ ही उसका भी तलावत की, लेकिन ये खत्मी बात कोई नहीं की जा सकती इसके ऊपर। मौका आ चुका ऐसा, और मुहर्रम के दिन है, मुहर्रम की आपको पता है हुरमत हमेशा से चलती आ रही थी, नई पाक सब मदीना तशरीफ लेके आए और अभी रोजे फर्ज रमजान के नहीं हुए थे, तो नई पाक सब ने आके 10 मुहर्रम का रोजा रखा, यहूदियों को रखते हुए देखा और उनसे पूछा कि तुमने रोजा क्यों रखते, उन्होंने कहा इस दिन हजरत मूसा को निजात हुई थी फिरौन से, तो उसके शुक्र अदा करने के लिए। दीन के अंदर हमेशा शुक्र अदा करने का तरीका जो है वो रोजा ही रहा है अल्लाह की शरीयत में हमेशा से ही, तो वो उसका हम लोगों ने रंग बिरंगे तरीके नाचने गाने के निकाले हैं, ये बाद में मतलब हमारी अपनी पैदाइश है। तो नज़ूर साहब ने फरमाया कि मूसा तो तुमसे ज़्यादा तो हमारे थे, लेकिन फिर यहूदियों के साथ जो मुशाबियत थी, मुशाबियत किसी के साथ भी नहीं पाते उसमें बिल्कुल नापसंद फरमाते थे, दाढ़ी मूंछ के अहकामात के बारे में आप पता है, लिबास के बारे में पता है, मांग निकाल बेशुमार, तो मुशाबियत के बारे में नहीं पाते उसमें दुश्मन के साथ या मुखालिफ के साथ बिल्कुल जो है ना वो मुशाबियत नहीं पाते उसमें पसंद नहीं करते। तो फिर जब आहिस्ता से अंदाजा हो गया यहूदियों का जो हमारे साथ रवैया था, पहले तो ख्याल था कि अली किताब है हमारे साथ उनका मामला ठीक हो, तो फिर नहीं पाते मैं हम 9-10 का या 10-11 का रोजा रखा गया। फिर उसके बाद तारीख में आप जानते हैं कि इस पर हमारे बहुत भी हमारे लिए बहुत एक तकलीफ दे वाक्य जो इस्लामी तारीख है, लेकिन एक बात मैं आपके जहन में आपके सामने लाना चाहूँगा कि ये जितने भी आले बैत हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और जितने भी ये इमाम हैं जो 12 इमाम गिने जाते हैं, 11 जो है उंगलियों पर गिने जाते हैं और 12वां जो है ये बड़े अहम लोग हैं। एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले बैत होने के हवाले से और दूसरा इनका इल्मी मकाम, बहुत बड़े लोग हैं, बड़े कदावर लोग हैं, इनके बारे में हमें जानना चाहिए, इनके साथ हमारी वफादारी होनी चाहिए, इनके बारे में हमें जानना चाहिए, इल्मी लिहाज से भी जानना चाहिए। आखिर दवाना
الحمد لله رب العالمين. किस बारे में नाम दिलवाने का? मेरे साहब आप जब आते हैं ना तो फिर मैं भी तैयारी से आता हूँ. हजरत अली, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम जैनुल आबदीन, हजरत इमाम मोहम्मद बाकर, हजरत इमाम जाफर सादक, हजरत इमाम मूसा काजम, हजरत इमाम अली रजा, हजरत इमाम मोहम्मद तकी, हजरत इमाम अली तकी, हजरत इमाम हसन अस्करी, ये 11 जी अली नकी, अली नकी तारीख बहुत वादे थी, लेकिन जो मन याद है इन्हों लैके नहीं जाया गया, गया ही नहीं غالباً گئی نہیں سر نہ جو مطلب نہ جو ایک ماما جو ایک میں پیچھے چھوڑ دے گئے سر نال لے کے نہیں گئے سر ایسا کوئی معاملہ سی بوجا تاریخ تھوڑی میری کمزور ہے لیکن وہ بوجا بیماری لے کے نہیں سر گئے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إلا وجهك برضه لو كنت تقول ما فرما وبركاته لكم الموضوع فرما فرما إلا تهم الصغيرة في رغم لكم ما فرما إذن مسلمان پریشان حال ہیں اللہ کی پریشانی کو دور فرما. إذن مسلمان بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں مال بیمار ہیں اسماعیل مال اللہ میں صحت کاملہ عاجل عطا فرما. اتنے مسلمان وفات پا گئے اللہ ان کے سپیر پائے معاف فرما, قبر کی مناظر کو آسان فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا اللہ ان کی دلی مرادہ پورا فرما, مشکلات کو حل فرما, آسانی عطا فرما. نہ تو ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما, اور آخری وقت تو تمہاری زبانوں پر جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.